सुप्रभात विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी में भाषा अभ्यास का पाठ 16 का अभ्यास कार्य करेंगे। पाठ 16 अभ्यास, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, दिए गए वाक्यों में मोटे काले शब्दों के विपरीत शब्द लिखिए। अब देखिए, विपरीत शब्द मीन्स विलोम शब्द, उल्टे शब्द, इसे आप बोलते हैं इंग्लिश में अपोजिट। ओके, नंबर 1, हर रात के बाद डैश आता है। अब देखिए, रात, रात के बाद क्या आता है? दिन। अब यहाँ पे मोटे काले शब्द कौन सा है? रात। ओके, नेक्स्ट देखिए, भगवान के घर ना कोई अमीर है और ना कोई गरीब। अब यहाँ पे क्या है? अमीर, अमीर का विपरीत गरीब। ओके, नेक्स्ट देखिए, कुएं से पानी निकालने के लिए बाल्टी पहले अंदर जाती है और फिर डैश आती है। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मोटे काले शब्द कौन सा है? अंदर। क्या है? अंदर। तो हमने अंदर का विपरीत क्या करना है? बाहर। ओके, नेक्स्ट, चरित्र से आदमी बड़ा बनता है ना कि डैश। बड़े का वो क्या होता है? विपरीत छोटा। नेक्स्ट देखिए, मेरी घड़ी पुरानी है और किताब डैश, पुरानी नई। नेक्स्ट, गुरु हमेशा डैश का भला चाहता है। गुरु क्या होता है? टीचर, और शिष्य स्टूडेंट। गुरु हमेशा शिष्य का भला चाहता है। हमें मुसीबतों का सामना हंसते हुए करना चाहिए ना कि डैश हुए, हंसते रोते। ओके, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? रोते। नेक्स्ट, पाठ अभ्यास के आधार पर सही शब्द पर गोला लगाइए। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको देखिए कुछ शब्द दे रखे हैं, इन पर जो है आपने सही शब्द पर गोला लगाना है। जैसे गुरुकुल, गुरुकुल, तो कौन सा सही है? ये वाला, तो हमने इस पर सर्कल लगा दिया। स्कूल, स्कूल, अब देखिए, स्कूल, स्कूल, तो इसमें क्या है? कुल, तो हमने ये स्कूल, ये वाला सही, इस पर हमने सर्कल लगा दिया। अभ्यास, अभ्यास, इस पर हमने सर्कल लगा दिया। तो आपने सारा ये ऐसे ही करना है, जो शब्द सही है उस पर आपने गोला लगाना है। ओके, नेक्स्ट देखिए, प्रश्न नंबर 3, दिए गए शब्द जोड़ों से वाक्य बनाइए। यहाँ पे आपको कुछ शब्द दे रखे हैं, इनसे आपको वाक्य बनाने हैं। जैसे पहला देखिए, सहमा सहमा, बच्चा सहमा सहमा रहता है, बच्चा सहमा सहमा रहता है। तो ध्यान से देखिए, अब आप इसके अलावा कुछ और वाक्य भी बना सकते हैं, लेकिन जो वाक्य आप बनाएंगे वो मीनिंगफुल होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट, चलते चलते, मैं चलते चलते थक गया। बार बार, हमें बार बार अभ्यास करना चाहिए, मीन्स प्रैक्टिस करनी चाहिए। पीते पीते, बच्चा दूध पीते पीते सो गया। ओके, नेक्स्ट देखिए, था थी थे थी लगाकर दिए गए वाक्य पूरे कीजिए। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, था थी, था किसके लिए होता है? एक वचन के लिए, और किसके लिए? लड़के के लिए, आदमी के लिए। ओके, मेल के लिए। थी किसके लिए होता है? गर्ल्स के लिए, एक वचन में। ओके, गर्ल के लिए, महिला के लिए। जैसे देखिए आगे, थे बहुत सारों के लिए, थी ये भी बहुत सारों के लिए, जिसे बहुवचन बोलते हैं आप। थे प्लूरल, थी प्लूरल, बहुवचन में थे थी ये शब्द आते हैं। ओके, अब आपने इनकी सहायता से इन वाक्यों को पूरा करना है। देखिए, नंबर 1, गुरुकुल में बच्चे वहीं रहते थे। आपने थे क्यों लगाया? क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं। नंबर 2, बोपदेव को कुछ समझ में नहीं आता था। अब हमने यहाँ पे था क्यों लगाया? क्योंकि बोपदेव एक है ना, एक बच्चे का नाम है, लड़के का नाम है, तो था। अब देखिए अगला, हमारी एक महीने की छुट्टियां हुई डैश थी। अब यहाँ पे थी क्यों आया?
क्योंकि छुट्टियाँ, बहुत सारी छुट्टियाँ हैं, इसलिए यहाँ पे थे आया। अगला देखिए, उसके घर में दो कुत्ते थे। हमने यहाँ पे थे क्यों लगाया? क्योंकि दो कुत्तों की बात हुई है, ठीक है। अगर यहाँ पे खाली कुत्ता लिखा होता, उसके घर में कुत्ता था, तो हम यहाँ पे था लगाते, लेकिन यहाँ पे कुत्ते हैं तो हमने थे लिखा। हमारी छत पर चिड़ियाँ दाना चुगती थी। बहुत सारी चिड़िया है तो थी, अगर एक चिड़िया होती तो थी आता। अगला देखिए, मोना कल घर जा रही थी। अब मोना एक है ना, तो यहाँ पे थी, ये डॉट बाय मिस्टेक लग गई। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 5। दिए गए शब्दों को एक और अनेक के वर्गों में अलग करके लिखिए। अब यहाँ पे क्लाउड में देखिए कुछ शब्द दे रखे हैं, और यहाँ पे एक और अनेक का कॉलम, तो जो एक है उसमें आपने एक शब्द लिखने हैं, और जो अनेक है उसमें अनेक शब्द, एक वचन अनेक बहुवचन। ओके, अब जैसे आँख, आँख एक वचन है या बहुवचन? एक वचन, तो हमने यहाँ पे आँख लिख लिया। रास्ते बहुवचन, रास्ता होता तो एक वचन तो हम उसे यहाँ लिखते, लेकिन रास्ते हैं तो हमने उसको यहाँ लिखा अनेक में। पुस्तक एक वचन, पर्दे बहुवचन, साड़ियाँ बहुवचन, घड़ी एक वचन, घड़े एक वचन, घड़े क्या है? अनेक, बहुवचन। मिठाई एक वचन, साइकिलें बहुवचन है, अनेक में आएगी साइकिलें। चींटी, चींटी क्या है? एक वचन। कहानी एक वचन। ओके, तो बच्चों आपको बहुत ध्यान से करना है। नेक्स्ट देखिए, दिए गए शब्दों में अंग या चंद्र बिंदु लगाइए। ओके, अब देखिए यहाँ पे पहला कुआं, तो हमने क्या लगाई? चंद्र बिंदु। क्या बन गया ये? कुआं। गांव, चंद्र बिंदु लगाई ऊपर, गांव। अदर है ना, अदर, बिंदु लगाई, अंग की मात्रा। क्या है ये? अंग की मात्रा, तो क्या बन गया ये? अंदर। अगला देखिए, वही, अंग की मात्रा, क्या बन गया? वही। सुंदर, अंग सुंदर, तुम्हें अंग तुम्हें। ओके, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7। दिए गए शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य बनाइए। अब यहाँ पे आपको कुछ वाक्य दे रखे हैं, देखिए, लेकिन ये सही क्रम में नहीं लगा रखे हैं, ये उल्टे सीधे लिखे हुए हैं, आपको इनको सही क्रम में लगाना है, सीधे। ओके, जैसे देखिए, दीवार पर चढ़ थी रही चींटी, तो ये क्या बनेगा सही क्रम? चींटी दीवार पर चढ़ रही थी, ये इसका सही क्रम है। अगला देखिए, छुट्टियां गर्मी की हुई शुरू, गर्मी की छुट्टियां शुरू हुई। हैं दादाजी कहानी सुनाते, दादाजी कहानी सुनाते हैं। अगला देखिए, अच्छा बनो पढ़ लिख कर इंसान, पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बनो। थाली स्त्री रही बजा है, स्त्री थाली बजा रही है। बच्चों, इन सब वाक्यों के अंत में आपको पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। अब अगला देखिए प्रश्न नंबर 8। दी गई पंक्तियों में गुण वाले शब्दों पर गोला बनाइए। अब यहाँ पे आपको कुछ पंक्तियाँ दे रखी हैं, गुण क्या होती है? विशेषता, क्वालिटी, उन पे आपने क्या लगाने हैं? सर्कल। जैसे ये है मेरे दादाजी, दादाजी बूढ़े जरूर हो गए, बूढ़े, ये उनकी क्वालिटी है, गुण। जैसे जवान, सुंदर, ठीक है, मोटा, काला, पतला, ये सब गुण है, क्वालिटी है, तो बूढ़े, ये ओके, बूढ़े पे हमने सर्कल किया। किंतु पूरी तरह से स्वस्थ है, स्वस्थ क्या होता है? हेल्दी, हमने स्वस्थ पे सर्कल किया, उनकी क्वालिटी है ना अच्छी। उनके नरम नरम बाल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, उनके जो बाल है बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट है, नरम नरम, नरम नरम पे सर्कल किया। अगला देखिए, मोटे चश्मे में से झांकती आंखें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं,
चश्मा कैसा है? मोटा, मोटे, काले, छोटे, ठीक है, कुछ भी हो, ये क्या है? सो गुण है चश्मे का, तो हमने मोटे पे सर्कल किया। अच्छी लगती है, से गंदी लगना, अच्छी लगना, सुंदर लगना, तो ये भी क्या है? क्वालिटी है, ओके, गुण है उसका। उनकी लंबी मूछें बड़ी रोबीली लगती हैं। अब जो उनकी मूछें कैसी है? लंबी। अगर यहाँ पे छोटी होती तो भी हम इसको सर्कल करते, क्योंकि ये उनका मूछों का गुण है। रोबीली होती है एंड जिस लगती है रोबदार, ओके। अपनी मजबूत छड़ी घुमाते हुए वह सैर पर जाते हैं। अब उनकी छड़ी कैसी है? मजबूत। अगर यहाँ पे होती उनकी लंबी छड़ी, काली, छोटी, तो उस पर भी हम सर्कल करते, वो भी उस छड़ी का गुण है, ओके। वह सैर पर जाते हैं, सैर से लौटकर हमें दयालु और समझदार इंसान बनने का आशीर्वाद देते हैं। अब वो कैसे? देखिए, दयालु, काइंड, समझदार, से बोलते हैं इंटेलिजेंट, वो समझदार इंसान बनने का हमें आशीर्वाद देते हैं कि हम कैसे बने? इंटेलिजेंट, समझदार, ओके बच्चों। तो आपको यह कार्य अपनी हिंदी की पुस्तक में करना है, और कार्य बिल्कुल ध्यान से करना है, और मात्राओं का विशेष ध्यान रखना है। धन्यवाद।